जो हम लोग पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शन है कि रेडियस ऑफ गैलियम इज लोअर देन डेट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और गैलियम के रेडियस में डिफरेंस होता है। जैसे देखो, एल्यूमिनियम और गैलियम क्या है, ये कौन से ग्रुप में लाई करते हैं? ग्रुप नंबर 13 होता है इसका। ग्रुप नंबर 13 में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पहला एलिमेंट होता है बोरोन, फिर होता है एल्यूमिनियम, फिर गैलियम होता है। ठीक है, तो ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जनरल ट्रेंड क्या था? टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर बोलोगे तो एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होना चाहिए था? गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडियस ऑफ गैलियम इज लोअर देन डेट ऑफ एल्यूमिनियम या स्मॉलर देन डेट ऑफ एल्यूमिनियम। ऐसा होता क्या है, रीजन? तो ये एक एक्सेप्शन है। ये एटॉमिक साइज अगर लिखोगे तो एटॉमिक साइज नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग गैलियम का बड़ा होना चाहिए था, बट गैलियम का एटॉमिक साइज जो है ये लेस देन डेट ऑफ एल्यूमिनियम है, तो ये एक्सेप्शन है। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, रीजन? तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखोगे, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम होता है एटॉमिक नंबर 13 है, इसका कॉन्फिग्रेशन लिखोगे ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इसी तरह जब गैलियम का कॉन्फिग्रेशन लिखोगे, गैलियम आता है 31 है इसका एटॉमिक नंबर, कॉन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p1। ये है गैलियम का कॉन्फिग्रेशन। तो इसमें देखो कोई डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को? इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है थर्ड सेल है और इसका आउटर मोस्ट सेल फोर्थ सेल है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसका, उससे पहले यहाँ पे देखो इनर सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से सब सेल प्रेजेंट है? एक एस सब सेल है और दूसरा पी सब सेल है। बट यहाँ पे देखो जो आउटर मोस्ट सेल है फोर्थ सेल, इसके अंदर वाले सेल में, इनर सेल में, तो इनर सेल में मतलब सेकेंड लास्ट सेल हम लोग बोल रहे हैं, तो सेकेंड लास्ट सेल इसका थर्ड सेल है गैलियम में, और थर्ड सेल में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लेकिन एल्यूमिनियम का जब हम लोग कॉन्फिग्रेशन देखेंगे तो एल्यूमिनियम के कॉन्फिग्रेशन में कोई डी ऑर्बिटल अंदर वाले सेल में नहीं मिल रहा है हमको, उसमें या तो एस ऑर्बिटल है या तो पी ऑर्बिटल है। ठीक है, उसमें डी ऑर्बिटल वहां पे नहीं मिल रहा है। अब तुम लोग को जब शील्डिंग इफेक्ट बताए थे तो वहां पे तुम लोग को शील्डिंग पावर बताए थे ऑर्बिटल का, बताए थे या नहीं? शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बताओ तो शील्डिंग पावर चारों चारों ऑर्बिटल में किस किसका शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा था? शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या था, ऑर्डर बताओ तो? सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर किसका होता है, सर एस कौन? ब्लॉक एस ऑर्बिटल, ठीक है, उसके बाद पी ऑर्बिटल, इसके बाद डी ऑर्बिटल, और सबसे लीस्ट शील्डिंग पावर जो होता है ये एफ का एफ होता है। तो एफ का वेरी पुअर होता है, एफ का शील्डिंग पावर जो है बहुत ही पुअर है, और डी का पुअर होता है। ठीक है, डी का भी शील्डिंग बहुत ही पुअर है। ठीक है, एफ का तो बिल्कुल हम लोग नेग्लिजिबल ही मानते हैं। तो जब इसका कॉन्फिग्रेशन हम लोग लिख रहे हैं तो एल्यूमिनियम में अंदर वाले सेल में कोई डी ऑर्बिटल नहीं आ रहा है, पेनल्टीमेट सेल या सेकेंड लास्ट सेल में कोई डी ऑर्बिटल नहीं आ रहा है, लेकिन गैलियम में पेनल्टीमेट सेल में क्या आ रहा है, एक डी ऑर्बिटल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको पता है कि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पुअर होता है। तो शील्डिंग पुअर होने की वजह से क्या होगा, अगर शील्डिंग पुअर है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो गया, इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, उसका घट जाता है, और एटॉमिक रेडियस इतना घट जाता है कि वो एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है। ठीक है, ये रीजन होता है। तो इसको अगर लिखना चाहें हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं कि इन गैलियम 3d सबसेल
इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ डी ऑर्बिटल्स द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. हेंस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. तो इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होके क्या हो जाता है, वो एल्यूमिनियम से भी उसका छोटा हो जाता है. बट नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसका साइज, गैलियम का साइज जो होना चाहिए वो एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए, ठीक है. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गैलियम का साइज जो है यहाँ पे ये लेस देन एल्यूमिनियम, ठीक है, ये साइज है इसका. तो ये इसका एक्सेप्शन है. क्लियर है ना सबको रीजन? बोलो, कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर. चलो अब इसके बाद हम लोग थर्ड एक्सेप्शन पे मूव करते हैं. ये तो सेकंड एक्सेप्शन हो गया. थर्ड एक्सेप्शन आता है रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट्स में. 3D एलिमेंट मतलब क्या हुआ, ये थ्री डायमेंशन वाला एलिमेंट नहीं है. 3D एलिमेंट मतलब हम अभी लिखेंगे यहाँ पे जो पीरियड 4 के एलिमेंट है ये, ठीक है. पीरियड 4 में जो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट्स होता है ना, उसको हम लोग 3D एलिमेंट बोलते हैं. जैसे आता है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक कौन कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, फिर आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो ये देखो इनका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो सबका लिख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रहे हैं. तो 4s2 तो सब में आएगा, ठीक है, 4s2 सब में आएगा. इसके बाद स्कैंडियम का जब लिखोगे तो 3d1 आता है, टाइटेनियम का लिखोगे तो 3d2 आता है, वेनेडियम का 3d3 आता है, क्रोमियम का जब लिखोगे तो क्या आता है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाला कॉन्फ़िगरेशन है इसका, 4s1 3d5 हो जाता है, ठीक है. और मैंगनीज का 4s2 3d5 ये है. आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सब में लिख ही लो, ये 4s2 है, यहाँ पे भी 4s2 है और ये ही 4s2 है, ठीक है. आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं. कोबाल्ट का 4s2 3d7, निकल का क्या आ जाएगा 4s2 3d8, कॉपर का भी एक्सेप्शन वाला है, क्या आ जाएगा कॉपर का 4s1 3d10, और जिंक का क्या होता है, जिंक का इधर लिख रहे हैं 4s2 3d10, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे इन सभी का, ये सारे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है सभी का डी सबसेल में जा रहा है, तो इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है. अब डी ब्लॉक एलिमेंट है तो कौन से सेल के डी सबसेल में जा रहा है, थर्ड सेल के ही डी सबसेल में जा रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोला जाता है 3D एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सभी का जो है डी सबसेल में तो जा रहा है लेकिन थर्ड सेल के डी सबसेल में जा रहा है, इसलिए इसको 3D एलिमेंट बोलते हैं. इसी तरह इसके नीचे जो एलिमेंट होगा, इसके नीचे जस्ट जो सीरीज आएगा उसको हम लोग 4D एलिमेंट बोलते हैं, फिर उसके नीचे जो सीरीज होगा उसको 5D एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है. तो ये है, तो रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट में इन सभी के रेडियस में क्या एक्सेप्शन आता है. तो देखो ये सारे पीरियड के एलिमेंट है, पीरियड में अगर लेफ्ट राइट अगर हम लोग मूव करें नॉर्मली जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, घटना चाहिए था, ठीक है, ये ग्राफ पूरा घटना चाहिए था. मतलब इन सभी में
स्कैंडियम सबसे बड़ा साइज का होता और जिंक जो है वो सबसे छोटा साइज का होना चाहिए। अब देखो इनका वेरिएशन ऐसा होता नहीं है जनरली, मतलब नॉर्मल ट्रेंड को ये फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको हम लोग ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं। तो इधर ग्राफ के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं, तो ये इधर ले रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पे एटॉमिक रेडियस और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ग्राफ का नेचर ड्रॉ करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये सेम आ गया बीच में, ठीक है। तो ये इसके बाद लास्ट में दो जो है ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। यहाँ तक तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक इन चार एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ, इसके बाद क्या हो गया, इसके क्रोमियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनमें एटॉमिक रेडियस उनका ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गया, Mn हो गया, Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकल हो गया। इन चारों में देखा गया इन चारों का एटॉमिक रेडियस मोर और लेस बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इसके बाद लास्ट के जो दो एलिमेंट हैं, एक कॉपर हो गया और लास्ट वाला एलिमेंट जिंक हो गया, तो इन दोनों में देखा गया कि एटॉमिक रेडियस इसका फिर से बढ़ जाता है, इन चारों का कांस्टेंट हुआ, इसके बाद ये ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो एक्चुअली ये इस तरह का पूरा कंप्लीट ऐसा पाथ नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, इसी को हम लोग इजिली ड्रॉ करने के लिए ऐसे बना दिए। मोर और लेस ऐसा ही रहता है ग्राफ का पैटर्न, शुरुआत के चार एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ क्रोमियम तक, इसके बाद ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गया और उसके बाद देखो ये बढ़ गया। तो एक्चुअली इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है। शुरुआत में तो ये डिक्रीज हुआ, पहले चार एलिमेंट का ये डिक्रीज हुआ, अब जिस स्पीड से ये डिक्रीज होना चाहिए था उतने स्पीड से ये डिक्रीज नहीं हो पा रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब स्टीपनेस उतना ज्यादा नहीं है, देख रहे हो ना, स्लो डिक्रीज हो रहा है, उतना ज्यादा ग्राफ का स्लोप जो है वो स्टीप नहीं है, स्लो डिक्रीज हो रहा है। क्यों स्लो डिक्रीज हो रहा है, क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब जिस स्पीड से उसको कम होना चाहिए था उस स्पीड से वो कम नहीं हो रहा है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि उसका जो अंदर वाला सेल है सेकंड लास्ट सेल जो है वो डी डी है, डी ऑर्बिटल आ रहा है उससे पहले, और डी ऑर्बिटल का हम लोग पढ़ चुके हैं शील्डिंग पावर क्या होता है, वो पुअर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो जो है एटॉमिक रेडियस जो डिक्रीज हो रहा है वो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है। तो उसमें देखो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डी ऑर्बिटल के शील्डिंग पावर पे डिपेंड कर रहा है, शील्डिंग पावर पुअर है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से तो वो साइज कम होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रांगली कम होना चाहिए, बट यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रांगली कम होना चाहिए था, लेकिन डी वन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, जब हम लोग सेकेंड एलिमेंट में गए तो दो इलेक्ट्रॉन आ गया डी में, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद डायरेक्टली पांच इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी वाले सबसेल में बढ़ रहा है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी तो बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी ज्यादा होगा, तो रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जिस स्पीड से उसको कम होना चाहिए था उस स्पीड से वो कम नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए ये डिक्रीज जो है ग्रेजुअल डिक्रीज है, और बीच में क्या हुआ, इट बिकम्स कॉन्स्टेंट इन द मिडिल,
और बीच में ये मिडिल में एकदम कांस्टेंट हो गया एंड इवन इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ द सीरीज। एंड ऑफ द सीरीज में देखो लास्ट दो एलिमेंट का क्या हुआ, वो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो लास्ट दो एलिमेंट का ये एटॉमिक रेडियस यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो इसलिए बोलते हैं इवन इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ द सीरीज। तो देखो यहां तक क्या हुआ था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा था। देखो एक इलेक्ट्रॉन है डी में, यहाँ पे दो है, फिर तीन है, फिर पांच हो गया। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस ये यहाँ तक ये डिक्रीज हो रहा था, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा था, भले ही वो डिक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज है बट डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग जैसे ही क्रोमियम को एक्सीड किए तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो ये दो फोर्स में जो भी डोमिनेट करेगा ना उसी का इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो साइज कम होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट कर जाएगा तो साइज वो बढ़ा देगा। तो यहाँ पे देखो साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तक क्रोमियम तक कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग हो रहा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग हो रहा है। लेकिन क्रोमियम के बाद देखो ये D5, D6, D7 और D8, इसके बाद देखा गया कि ये साइज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ऑलमोस्ट बराबर हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचने के लिए चाहेगा तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स जो है वो बाहर की डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कौन कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स। तो ये दोनों फोर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है इन सब का ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है, उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखो लास्ट के दो में, तो लास्ट के दो एलिमेंट में क्या हुआ, कॉपर और जिंक में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा बढ़ गया, D10 D10 हो गया, मतलब मैक्सिमम तक पहुंच गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स पे डोमिनेट कर गया, मतलब रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट कर जाएगा तो वो एटॉमिक रेडियस को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। इसलिए लास्ट के दो एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग कि डिक्रीज पहले ग्रेजुअल क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एज न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन इनर N-1d सबसेल। जैसे जैसे नया इलेक्ट्रॉन जाते जा रहा है N-1d सबसेल में, इट विल इंक्रीज रिपल्शन ऑन द आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले d के सबसेल में बढ़ेगा तो वो रिपल्सन का वैल्यू जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ जाएगा। तो रिपल्सन बढ़ने की वजह से क्या होता है, डिक्रीज जो आ रहा है शुरू में वो डिक्रीज इन रेडियस जो है वो ग्रेजुअल डिक्रीज है, इज ग्रेजुअल या स्लो डिक्रीज हो रहा है। और बीच में क्या हुआ, मिडिल वाले एलिमेंट के लिए जो रिपल्सिव फोर्स है और न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स, वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया, तो इसलिए वहां पे साइज ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन एट द एंड ऑफ द सीरीज, एंड ऑफ द लास्ट के दो एलिमेंट में क्या देखा गया, एट द एंड ऑफ द सीरीज व्हेन नंबर ऑफ N-1d इलेक्ट्रॉन आर वेरी हाई, देन रिपल्सिव फोर्स
डोमिनेट्स, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर गया, सो रेडियस इंक्रीजेस. इसलिए रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने की वजह से रेडियस क्या हो गया, वो बढ़ गया. ठीक है, तो ये 3D एलिमेंट का जो है ये एक्सेप्शन है. इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट का ये जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है. वो शुरुआत के 4 एलिमेंट में वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट डिक्रीज ग्रेजुअल है. उसके बाद बीच में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जा रहा है, और लास्ट के 2 एलिमेंट का वो बढ़ जा रहा है. ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को बताओ. हेलो, बोलो, किसी को डाउट है इसमें, ये वाले एक्सेप्शन में आवाज आ रहा है या नहीं? नो सर, नो डाउट. समझ में आ गया सबको? यस सर. चलो, तो ये समझ में आ गया, तो हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट एक्सेप्शन है, चलो ये तो 3D एलिमेंट का हम लोग ग्राफ देखे थे. इसी तरह 4D एलिमेंट तुम लोग को बताए थे, ये है 3D एलिमेंट का ग्राफ. इसी तरह 4D एलिमेंट का जब ग्राफ देखा गया ना, तो इसी में हम ड्रॉ कर रहे हैं. तो 4D एलिमेंट का ग्राफ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. 4D सीरीज जो होगा इसके जस्ट नीचे वाला सीरीज होगा. ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसके जस्ट नीचे वाला डी ब्लॉक में ही देखोगे, नीचे वाला सीरीज में उसको 4D बोलते हैं. तो 4D एलिमेंट का भी ग्राफ देखो बिल्कुल इसी जैसा आया, 3D जैसा ही आया ग्राफ, बट इन दोनों के बीच में यहाँ पे कंसिडरेबल डिफरेंस था. ठीक है, ये ऐसा ही यहाँ तक डिक्रीज हुआ, फिर बीच में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गया, और लास्ट के 2 एलिमेंट में ये इंक्रीज हो गया. तो ये 4D एलिमेंट का ग्राफ है, ये 4D का है. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही नेचर आया था. लेकिन जब 4D से हम लोग 5D में गए, 4D के जस्ट नीचे वाला सीरीज में, 5D वाले सीरीज में जब गए हम लोग, तो वहां पे देखा गया कि 5D सीरीज का एलिमेंट जो है उसका जो ग्राफ का नेचर आता है ये क्या होता है कि 4, जैसे यहाँ पे 3D और 4D के बीच में एक गैप है ना, लेकिन 4D से जब 5D में जाते हैं तो वहां पे कोई गैप नहीं रहता है. तो 5D एलिमेंट का नेचर देखा गया, ग्राफ का नेचर, कि वो जस्ट 4D पे ही ओवरलैप कर गया. ठीक है, उन दोनों के बीच में वहां पे गैप नहीं आता है. तो ये 5D का ग्राफ है, तो मोर और लेस 4D पे ही क्या हो गया, ओवरलैप कर गया. ठीक है, तो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि 3D से जब 4D में गए तो यहाँ पे गैप दिख रहा है, लेकिन 4D से जब 5D में हम लोग गए तो ग्राफ का नेचर सेम है, बट वो गैप गायब हो गया, गैप हट गया, और वो 5D का जो ग्राफ है वो 4D पे ही ऑलमोस्ट ओवरलैप कर गया. तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. ये चौथा एक्सेप्शन है कि रेडियस ऑफ, ठीक है, इसे लिख रहा रेडियस ऑफ 5D एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट्स. तो ऐसा क्यों होता है? तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो 2 रीजन होते हैं. जैसे मान लो कोई एक ले ले, हम लोग कोई एक ग्रुप ले ले, ये टाइटेनियम वाला ले लेते हैं. टाइटेनियम हो गया 3D, इसके नीचे जो आएगा जिरकोनियम आता है. ठीक है, ये 4D एलिमेंट हो गया, और इसके नीचे आता है हाफनियम, ये 5D हो गया. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर है 40, और हाफनियम का एटॉमिक नंबर है 72. ठीक है, तो इसको 2 रीजन से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, दोनों रीजन हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे ये क्या देखा गया कि जब ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. तो नो डाउट यहाँ पे टाइटेनियम का साइज जो है ये जिरकोनियम से कम है, मतलब जिरकोनियम का साइज बढ़ गया टाइटेनियम से, लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम इन दोनों का साइज क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया. ठीक है, इसी चीज को हमको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग टाइटेनियम से जिरकोनियम में आ रहे हैं तो चार्ज कितने यूनिट से बढ़ रहा है, प्लस 18 यूनिट का चार्ज बढ़ रहा है, 22 से 40 आ गया. तो न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम लोग बात करें
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने यूनिट से बढ़ रहा है? 18 यूनिट से बढ़ रहा है। लेकिन जब हम लोग जिरकोनियम से हाफनियम में आ रहे हैं तो चार्ज देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने यूनिट से बढ़ रहा है, कितने यूनिट से बढ़ रहा है बताओ, बोलो। जिरकोनियम से जब हाफनियम में आ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने यूनिट से बढ़ रहा है? 32 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 18 यूनिट से ही बढ़ रहा था, बट यहाँ पे जिरकोनियम से जब हाफनियम में जा रहे हैं तो हम लोग देखो शेल तो दोनों में एक एक ही बढ़ रहा है, उसमें भी एक शेल बढ़ा और 4D से जब 5D में आए तो इसमें भी एक शेल ही बढ़ा, बट डिफरेंस क्या है, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज जो हो रहा था वो 18 यूनिट से ही हो रहा है, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज हो रहा है वो 32 यूनिट से हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस 14 यूनिट्स जो है वो ज्यादा है जब हम लोग 4D से 5D में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज अगर प्लस 14 यूनिट से ज्यादा हो गया, इसका मतलब न्यूक्लियस अब बाहर वाले शेल पे क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा एज कम्पेयर टू जब हम लोग 3D से 4D में आ रहे थे। ठीक है, तो उस केस में 18 यूनिट का ही चार्ज बढ़ा था, बट 4D से 5D आने पर 32 यूनिट्स का चार्ज बढ़ गया, तो मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, साइज कुछ डिक्रीज होगा या साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, और साइज इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसका साइज ऑलमोस्ट 4D एलिमेंट से वो मैच कर जाता है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जिरकोनियम और हाफनियम को हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का होता है। तो यहाँ पे पहला रीजन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम थ्री डी टू फोर डी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय प्लस 18 यूनिट्स। ठीक है, वाइल मूविंग फ्रॉम 4D टू 5D, न्यूक्लियर चार्ज increases by plus 32 units. So attraction of nucleus on the outermost electron. So attraction of nucleus on the outermost electron in 5D series increases. ठीक है, therefore या फिर hence there is contraction in size. ठीक है, outermost electron पे क्या होगा, nucleus का force of attraction 5D series में बढ़ जाता है, इसलिए size का क्या हो जाता है, contraction हो जाता है, और इसी contraction in size को this contraction in size is called lanthanide contraction. इसी को हम लोग lanthanide contraction बोलते हैं, क्योंकि 5D का जो एलिमेंट होता है वो lanthanide series एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए lanthanide contraction बोला जाता है उस टर्म को, जो एटॉमिक रेडियस उसका डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहला तो एक्सप्लेनेशन ये है कि पहला इसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा हम लोग शील्डिंग इफेक्ट से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए इन दोनों का तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का लिखो। तो तुम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, जिरकोनियम और हाफनियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुम लोग का। इसका 40 है, इसका 72, पूरा कंप्लीट लिखना शुरू से लेके लास्ट तक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। लिख लोगे या नहीं? यस सर। चलो लिखो जल्दी।
जिरकोनियम का हो गया, जो लिख लिया वो मैच करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और 4d2, यही हो जाएगा जिरकोनियम का, देख लो। यस सर। चलो इसके बाद हाफनियम का लिख रहे हैं, तो यहां तक देखो, यहां तक तो सेम रहेगा, 5s2 तक सेम रहेगा, उसके बाद हम लिख रहे हैं 5s2 तक सेम, यहाँ पे कॉपी कर लेना। इसके बाद 5s2 के बाद क्या आएगा, चलो इधर से लिखना, 5s2 तक तो सेम रहेगा, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 4d10 हो जाएगा यहाँ पे हाफनियम में, और 4d के बाद आ जाएगा क्या, 5p, तो 5p6 हो गया, 5p के बाद आएगा 6s, 6s2 हो गया, 6s के बाद आएगा 4f, तो 4f14 हो जाएगा, यहां तक हो गए टोटल 70 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, 5d2 में चला जाएगा। देखो यही है कॉन्फ़िगरेशन हाफ नेम का। यस सर। चलो तो अब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख चुके हैं, अब जब कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हो तो अब यहाँ पे देखो इसको कैसे शील्डिंग इफेक्ट से रिलेट करेंगे हम लोग। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है जिरकोनियम का, तो इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल जो है ये फिफ्थ सेल है, इससे पहले जो सेकेंड लास्ट सेल है ये फोर्थ सेल है, तो फोर्थ में देखो कौन कौन सा ऑर्बिटल है, फोर में एस है, पी है और डी है। यहाँ पे भी देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये सिक्स है, अब सिक्स से पहले जो आया है यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पहले जो है ये फाइव है, तो फाइव में पी और डी है दो, लेकिन फाइव से पहले जो फोर्थ वाला सेल है, तो फोर्थ सेल में देखो डी भी है और एफ भी आ रहा है, लेकिन एफ वाला जो ऑर्बिटल है वो जिरकोनियम में नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या जिरकोनियम में एफ ऑर्बिटल? नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम लोग हाफनियम का कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल आ रहा है, और हमको पता है कि f ऑर्बिटल अगर पहले इनर वाले शेल में अगर f ऑर्बिटल आ गया, इसका मतलब f ऑर्बिटल का शील्डिंग क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है, वेरी पुअर, नेग्लिजिबल अज्यूम करते हैं। अगर f ऑर्बिटल आ जाएगा तो उसका शील्डिंग बहुत ही लो हो जाएगा, और शील्डिंग लो हो गया इसका मतलब क्या हुआ, शील्डिंग लो होने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, इन 5d एलिमेंट, जनरली 5d एलिमेंट्स के लिए बात कर लेते हैं, 4f सबसेल इज कंप्लीटली फिल्ड, 4f सबसेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, एंड ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग पावर of f orbitals, the attraction force of nucleus on the outermost electron increases, and hence एटॉमिक रेडियस
डिक्रीजेस, और एटॉमिक रेडियस इतना डिक्रीज हो जाता है कि वो 4D वाले एलिमेंट से के कंपैरिजन में आ जाता है, कंपैरेबल हो जाता है 4D एलिमेंट से, ठीक है। दोनों का एटॉमिक रेडियस हम लोग बोल देते हैं, दोनों कंपैरेबल एटॉमिक रेडियस है, और इसी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज को बोलते हैं, दिस डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज इज टर्म्ड एज, या दिस कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इज टर्म्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। से डिक्रीज इन साइज को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है क्या? तो इसको दो रीजन से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला तो न्यूक्लियर चार्ज वाला रीजन था, और दूसरा पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, शील्डिंग इफेक्ट से रिलेट करके। तो टोटल ये चार एक्सेप्शन मिलते हैं हमको एटॉमिक रेडियस वाले में, ये चारों एक्सेप्शन को ध्यान रखना। तो हम लोग को आयनिक रेडियस बताए थे क्या? आयनिक रेडियस कि कैटायन का साइज जो होता है अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, और एनायन का साइज जो है पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है, ये बताए थे। बोलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है तुम लोगों को? संजना, हेलो, आदित्य, यस सर, आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। बोल रहे हैं, लास्ट क्लास में ये बताए थे क्या, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस के बारे में एक्सप्लेन किए थे, कैटायन का साइज जो होता है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है, और एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होगा, ये चीज एक्सप्लेन किए थे या नहीं? नो सर, ये नहीं बताए थे कैटायन का साइज? देख लो एक बार, चेक कर लो, ये बताया हूँ मैं। ओके सर, देखते हैं। यस सर, आप बताए थे। तो हो गया, मतलब एटॉमिक रेडियस की ये चार एक्सेप्शन ध्यान रखना, इन्हीं चारों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मल ट्रेंड से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चार एक्सेप्शन रीजन के साथ अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक हो गया कम्प्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग ट्रेंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग सिर्फ आज डिफाइन कर देते हैं, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सेकंड जो ट्रेंड है इसके बारे में पढ़ना है, सेकंड प्रॉपर्टी वह है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ energy required to remove an electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom।
ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है, उसके आउटर मोस्ट सेल से ही रिमूव होगा, तो उस आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा या रिक्वायर्ड होगा, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों, गैसियस एटम का ही यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि गैसियस एटम में पड़े हो गए कि गैस के एटम जो होते हैं वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। जैसे नोबल गैस के एटम्स को कंसिडर अगर करोगे तो नोबल गैस के एटम्स क्या होते हैं, उन दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल भी जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं नोबल गैस के एटम्स के बीच में जो बहुत ही वीक फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत ही कम होता है, उसको हम लोग ऑलमोस्ट, अगर आइडियल गैस है तो उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब उनका इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो अज्यूम कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन अगर जीरो है तो मतलब एक गैस का एटम यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कंसिडर करेंगे दूसरा गैस का एटम यहाँ पे होगा, अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या है, बिल्कुल जीरो, बहुत ही पुअर इंटरेक्शन है, तो उसमें उसको हम लोग नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। अब जितना एनर्जी हम इसको यहाँ पे देंगे वो सारा एनर्जी अब कहाँ यूज होगा, अगर ये इंटरेक्शन जीरो है तो इसको ब्रेक करने में तो अब एनर्जी खर्च होगा नहीं, क्योंकि इसको हम लोग बिल्कुल नेग्लिजिबल एज्यूम कर चुके हैं। तब जो भी एनर्जी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसको, वो सारा एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगा। तो गैसियस एटम के केस में हम लोग आसानी से उसके, गैस के केस में हम लोग आसानी से उसके एटम को आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेट मतलब बिल्कुल अलग रख सकते हैं उसको, मतलब उसके सराउंडिंग में कोई भी दूसरा इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, सारे इंटरेक्शन उसके जीरो एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सारे इंटरेक्शन का वैल्यू जीरो एज्यूम कर सकते हैं। और वहां पे जो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो सारा एनर्जी जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगा, और कोई भी एनर्जी का लॉस इधर उधर दूसरे इंटरेक्शन को तोड़ने में नहीं जाएगा। लेकिन यही चीज सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड में जो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अब वो एनर्जी क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड में तो इंटरेक्शन हम लोग जीरो मान नहीं सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा ही एटम के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसमें से जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी जो है उसके इंटरेक्शन को ब्रेक करने में भी चला जाता, तो इसलिए वहां पे जो एग्जैक्ट एनर्जी का वैल्यू, कितना इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हुआ, वो हम लोग वहां पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गैसियस एटम से ही हमेशा प्रिफर किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, और गैसियस प्रिफर क्या किया जाता है, गैसियस एटम से ही अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग तो वहां पे जितना एनर्जी खर्च हो रहा है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये सॉलिड और लिक्विड से निकालोगे तो वहां पे हम लोग उसको आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन नहीं करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए यहाँ पे डिफाइंड है आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ये कंडीशन जरूरी है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और क्या क्या है इसके एक्सेप्शंस, क्या क्या है, जनरल ट्रेंड क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस सर। चलो फिर एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सर। चलो थैंक यू।